Audio Jungle. भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय वोट डालने के लिए आज इंदौर मौजूद थे। इस मौके पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, मेरे इंदौर में ना होने से ऐसा नहीं हो सकता कि भारतीय जनता पार्टी का काम कमजोर हो गया है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के बल पर चुनाव लड़ती है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, मीडिया को हमेशा ऐसा लगता है कि यहाँ कांटे का मुकाबला है, लेकिन जब परिणाम आता है तो मीडिया का एनालिसिस फेल हो जाता है। इंदौर में कभी भी कांटे का मुकाबला नहीं रहा है। मध्य प्रदेश में भाजपा की सीट बढ़ेगी घटेगी नहीं। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में जिस प्रकार से लोगों को ठगा है, किसानों को कर्ज माफी का झांसा देकर, युवाओं को रोजगार भत्ता का झांसा देकर और जनता को ठगा है, जनता ठगा सा महसूस कर रही है। इसलिए कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए जनता बीजेपी को पहले से ज्यादा मतों से विजय बनाएगी। हमेशा मीडिया को ऐसे लगता है कि कांटे का मुकाबला है, पर परिणाम आता है तो मीडिया के लोग सोचते कह रहे हमारा एनालिसिस गलत हो गया, पर इंदौर में कभी भी कांटे का मुकाबला नहीं रहा। आपके अनुसार मुझे लगता है कि जो अभी सीट से उससे एक दो बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार लोगों को ठगा है, किसानों का कर्ज माफ़ करने का नारा देकर, नौजवानों को बेरोजगार भत्ता देने के नाम पर, महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप का कर्जा माफ़ करने के नाम पर, ऐसे सब लोग अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। और इसलिए कांग्रेस को सबक देने के लिए मुझे लगता है पहले से भी ज्यादा सीट भारी। कमलनाथ की मध्य प्रदेश में 22 सीटें जीतने वाली बात पर, और उन्होंने कहा कि कमलनाथ 22 दिन और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे भी या नहीं, अभी तो इसी बात पर प्रश्न चिन्ह है। पश्चिम बंगाल पर उन्होंने कहा कि वहां पर सबसे बड़ी परेशानी यह है कि वहां पर राज्य प्रशासन, पुलिस प्रशासन, गुंडे तीनों एक ही लाइन में दिखाई देते हैं, इसलिए चुनाव आयोग चाहकर भी जिस प्रकार का नियंत्रण करना चाहता है वैसा नहीं कर पा रहा है। बंगाल के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी सफलता चुनाव आयोग को मिली है कि वहां 90 से 95% बूथ पर चुनाव ठीक तरीके से हो पा रहे हैं, 5 से 10% जगह पर डिस्टर्बेंस है। 60 साल तक कांग्रेस रही, तब तक क्या अन्याय करती रही कि अब जबकि वो बहुत कम संख्या में है, न्याय की बात कर रही तो जनता उनको पहचानती कि जिस समय उनको देश के साथ न्याय करना था उस समय वो भ्रष्टाचार में लगे हुए थे। आज जब उनका कोई भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है तो उनको देश की जनता का न्याय दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल में गुंडागर्दी के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत होगी और ममता जी के तानाशाही पूर्ण रवैया और ममता जी के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी वसूली से लोग बहुत दुखी हैं, इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहते हैं। बीजेपी की ऐतिहासिक जीत इस बार बीजेपी को मिलने वाली है। पिछली बार हमारी 282 सीटें आई थी और इस बार लगभग 300 सीटें बीजेपी को मिलेंगी। विपक्ष के लिए उन्होंने कहा कि सपने देखना अच्छा है, हर 10 सीट 20 सीट और 25 सीट वाला प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है जो पूर्ण बहुमत वाली सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सपने देखना अच्छा है, लेकिन 23 तारीख तक सपने देखेंगे, इसके बाद सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। देखिए, सपने देखने में कोई बुराई नहीं, 23 तारीख तक सपने देखेंगे, 24 तारीख को फिर उनको आपको बाइट लेने के लिए ढूंढना पड़ेगा कि किधर चंद्रबाबू नायडू है, किधर ममता जी हैं। तो सपने तो सबको देखना चाहिए, अच्छे देखना चाहिए, पर यथार्थ को भी समझना चाहिए। यथार्थ ये है कि लोग फिर से एक बार इस देश की जनता सुनना चाहती है कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ, ये शब्द सुनना चाहती, और एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री। फिलहाल सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि किसको मिलेगा सत्ता का ताज। इंदौर से सागर चौहान की रिपोर्ट।